हेलो दोस्तों, किसी भी कार के इंजन या अदर पार्ट के रिपेयरिंग के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको अपनी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट जो आपको लग रहा है ख़राब है या किसी मैकेनिक से आपने कंसल्ट किया है, तो आप एक बार मेरे को ज़रूर फ़ोन करके कंसल्ट कर सकते हैं और वो स्पेयर पार्ट मैं कोशिश करूँगा आपको और ज़्यादा चीप रेट में प्रोवाइड कराने की। तो आप बेहिचक होके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं उस स्पेयर पार्ट की फ़ोटो, आपकी गाड़ी कौन सी है, जैसे मारुति की स्विफ्ट मॉडल और 2008। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपकी गाड़ी के अंदर लो पिकअप क्यों है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, आप उसे चलाते हैं, आपको शुरू में पिकअप बहुत सही लगता था, धीरे धीरे वक्त के साथ वो जो है पिकअप आपका डाउन होता चला जा रहा है। अब आप उसे उठाते हैं फर्स्ट गियर में, फिर आप जब सेकंड गियर में ले आते हैं तो उसके बाद आपको लगता है यार वो एक फ्लो नहीं आ रहा है, वो गाड़ी उस तरीके से भाग नहीं रही है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बेसिक कारण तो एक ही होता है कि एयर या फ्यूल की कमी कहीं ना कहीं से हो रही है। इसके अलावा जो एक दूसरा कारण आजकल गाड़ियों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि गाड़ियां पहले प्योरली मैकेनिकल होती थी, लेकिन आजकल जो है गाड़ियां आप कह सकते हैं सेमी इलेक्ट्रॉनिक तो हैं ही, क्योंकि गाड़ियों के अंदर इतने सारे सेंसर्स हैं, कोई भी सेंसर अगर अपना काम करना छोड़ दे तो गाड़ी के अंदर पिकअप कम हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वायरिंग के अलावा जो एयर और फ्यूल है तो उसकी कमी के कारण कहाँ कहाँ पिकअप डाउन हो सकता है। कि आपको लगता है आपकी गाड़ी की वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम ओके है, बट उसके बाद भी जो है पिकअप जो है डाउन है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है आपकी गाड़ी के अंदर, खासकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डीजल इंजन की, क्योंकि जो पिकअप का इशू है वो ज़्यादातर डीजल कार्स, ये जैसे स्विफ्ट हो गई और अपनी स्कॉर्पियो हो गई, बुलेरो हो गई, तो उसमें ज़्यादा आती है। सबसे पहला कारण क्या है? पाइपलाइन। पाइपलाइन आपका ये टैंक है डीजल का, इसमें डीजल भरा हुआ है, ये पाइपलाइन आगे जाती है टैंक से निकल के फिल्टर तक, फिल्टर से आगे पंप तक, पंप से आगे ये जाता है रेल में, रेल यानी कॉमन रेल। आपकी गाड़ी जो डीजल है आज के टाइम की आपकी ली हुई है 2010-08 के आसपास ली है आपने, तो 80% चांसेस है वो CRDI गाड़ी है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो उसके अंदर ऐसी रेल होती है, पंप के आगे जो पाइप है वो सारे जो है लोहे के पाइप होते हैं, आयरन के पाइप होते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और कुछ जो बहुत बढ़िया कंपनियां होती हैं वो स्टील के पाइप भी यूज़ करती है। उसके बाद ये रेल आती है, रेल में दो सेंसर हैं, एक है ये हमारा प्रेशर सेंसर जो बताता है कितना प्रेशर बन रहा है रेल के अंदर, दूसरा ये है DRV, इसे आप प्रेशर रेगुलेटर भी कह सकते हैं। प्रेशर रेगुलेटर ये जो है प्रेशर इसके अंदर रेगुलेट करता है, जब कम की ज़रूरत है तो कम करता है, ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर ज़्यादा कर देता है। रेल जो है आगे जाके जुड़ जाती है इंजेक्टर से, ये हमारा इंजेक्टर है, इंजेक्टर के अंदर ये तेल यहाँ से गया, ये भी हमारा लोहे का नहीं तो स्टील का पाइप होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये डीजल यहाँ से अंदर गया, आगे नोजल होती है तो नोजल से पिस्टन के ऊपर इंजेक्ट होगा और यहाँ पे इसकी वापसी होती है पीछे की तरफ। तो वापसी में क्या होता है कि मान लो 10 CC तेल आया, 7 CC यहाँ पे इंजेक्ट हो गया और बाकी का जो बचा है 2-3 CC वो वापस इस टैंक में आ जाता है वापसी की लाइन के जरिए यहाँ से। तो जितनी भी वापसी होती है, जैसे पंप के अंदर भी वापसी होती है, तो वो सारी की सारी वापस टैंक में आ जाती है। अब पाइपलाइन से मेरा क्या मतलब है, पहला पॉइंट पाइपलाइन क्या है, अगर ये आपकी पाइपलाइन कहीं से मुड़ी होगी, मान लो ये जो पाइप है ये ऐसे ना करके ऐसे मुड़ गया है इस तरीके से, तो डीजल जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट ये पाइपलाइन पैदा करेगा कि डीजल अच्छी तरीके से फ्लो ना हो पाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब तेल ही अच्छे से नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट की और जब फुल रेस में गाड़ी आ गई तो आपकी गाड़ी बिल्कुल जब तेज़ भाग रही तब आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप गाड़ी स्लो चला रहे हो, जब तेल का खिंचाव धीरे हो गया है, धीरे धीरे अब तेल ऊपर जा रहा है, तो उस समय ये अड़चन बन रहा है, क्योंकि तेज़ी में तो क्या हुआ कि डीजल निकलते हुए जा रहा है आपको भी नहीं पता लग रहा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन स्लो में क्या हो गया, अब डीजल धीरे धीरे खींचेगा
तो डीजल जब धीरे धीरे खींचेगा तो ये जो पाइपलाइन है जो मुड़ गई है वो दिक्कत ज़रूर पैदा करेगी। तो यदि आपको पिकअप में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले टैंक की सफाई कराएं, उसके बाद सारी पाइपलाइन चेक कराएं, नंबर वन, क्योंकि इसके अलावा आप कहीं भी जाओगे बहुत बड़ा खर्चा है। दूसरा आता है हमारा फिल्टर। मान लीजिए आपकी पाइपलाइन निकली ओके, पाइपलाइन ओके निकल गई तो उसको कुछ नहीं बोलना, मैकेनिक को बोल दो कि भाई इसका फिल्टर चेंज कर दो, क्योंकि फिल्टर हो सकता है चोक हो गया हो। अगर ये फिल्टर चोक हो जाएगा तो वापस से वही बात आ जाएगी कि जो डीजल है वो यहाँ तक तो पहुँचा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत धीरे धीरे। कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि यार जब स्टार्ट करते हैं ना तो लेट स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद सब सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो डीजल फिल्टर है ये डीजल को अच्छे से आगे बहने ही नहीं दे रहा है पंप तक, उसके अंदर एयर जा रही है। अगर डीजल फिल्टर चोक होगा तो एयर डीजल अच्छे से नहीं जाएगा, बीच बीच में एयर भी जाएगी जो पंप में जाएगी और पंप अच्छे से प्रेशर नहीं बनाएगा। तो कई लोगों को दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग इशू है उसके बाद सब ओके, तो उस केस में आप डीजल फिल्टर तुरंत चेंज कराएं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डीजल फिल्टर तो जो है सर्विस पे ही चेंज कराना चाहिए, नहीं, डीजल फिल्टर आप हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराएं। सर्विस का जो मैनुअल है वो इंजन के ऑयल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इंजन का ऑयल आजकल इतनी बढ़िया क्वालिटी का आ गया कि 30-40 हज़ार किलोमीटर तक जो है वो ख़राब नहीं होता। विदेशों में डीजल बहुत अच्छा मिलता होगा, हमारे इंडिया में अच्छा नहीं मिलता, ये सच्चाई है। तो आप अगर अपनी गाड़ी की सर्विस सही करना चाहते हैं तो 10,000 किलोमीटर कोई भी डीजल इंजन हो डीजल फिल्टर चेंज कर दो। 1,800, 1,100, 1,200 इतने तक का आता है, इससे ज़्यादा का आता भी नहीं है। तीसरा जो रीज़न हो सकता है कि अब आपका फिल्टर रोक के आपने फिल्टर चेंज करा लिया, गाड़ी स्टार्ट सही हो रही है लेकिन पिकअप में दिक्कत है, तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा DRV और प्रेशर सेंसर। पंप में अगर कमी होगी तो कई लोगों को ऐसा लगता है यार पंप में दिक्कत है, कई बार मैकेनिक जो है वो पागल बनाने की कोशिश करता है कि भाई साहब इसमें जो है गाड़ी में पिकअप नहीं है तो आप एक काम करो इसकी पंप की सर्विस करा लो। मैं CRDI पंप की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल की नहीं। मैकेनिकल में वो मैकेनिक आपको सही कह रहा है, पंप की वजह से ये इशू आ सकता है। CRDI के केस में केवल 10% चांस है, 10 से भी कम कहूँगा, कि पंप की वजह से आपको पिकअप में दिक्कत आए, क्योंकि यदि पंप के अंदर दिक्कत है अच्छी खासी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं जब तक वो पंप रिपेयर नहीं किया जाएगा। तो बहुत बहुत कम चांस है कि पंप के अंदर दिक्कत हो और पिकअप मतलब पंप के पिकअप ना हो गाड़ी में आपके और पंप के अंदर दिक्कत निकले। ये ज़रूर हो सकता है कि पंप के अंदर जो ये पाइपलाइन जा रही है वो कहीं ना कहीं चोक हो जाए, ऐसा होता है, लेकिन पंप के अंदर जो पार्ट्स हैं वो वर्क अच्छे से कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो पंप की वजह से पिकअप में कोई इशू नहीं होगा। आगे आ जाते हैं रेल में, तो तीसरा हमारा पॉइंट है DRV और प्रेशर सेंसर का। अगर ये DRV अक्सर ख़राब हो जाती है स्विफ्ट गाड़ी में, चोक हो जाती है उसके आगे जो फिल्टर होता है DRV में, यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर होता है जो प्रेशर बनाने में मदद करता है, वो चोक हो जाता है, पिकअप मर जाता है, पूरे RPM नहीं जाते हैं और सामने एक येलो लाइट ब्लिंक होने लगती है डैशबोर्ड पे, वो चेक इंजन लाइट होती है। तो जब आप कहते हैं फिल्टर चेंज कराओ, सब कुछ सही चल रहा है, पिकअप में कमी आ रही है, लाइट जल रही है, तो तीसरा आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि DRV को खुलवा के एक बार अल्ट्रासोनिक में साफ करवाना। अल्ट्रासोनिक की एक मशीन होती है जिसमें एक लिक्विड डाला जाता है अल्ट्रासोनिक ऑयल, उसमें उसको तपा दो अच्छे से, बहुत अच्छे से, ताकि सारा फिल्टर उसका साफ हो जाए DRV का। आप उसे लगाएं, आपको सारी दिक्कत जो है वो सॉल्व हो जाएगी पिकअप की। और फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है ये सब कुछ करने के बाद, फिर आपकी बारी आती है इंजेक्टर्स की। ये केवल फ्यूल लाइन की बात कर रहा हूँ। यदि 4 इंजेक्टर हैं आपकी स्विफ्ट डिजायर में, एक इंजेक्टर जो है बैक, अब मैंने ये कहा ना कि 7 CC आगे से और 2-3 CC पीछे से देना चाहिए, यदि ये गणित उल्टा हो जाए कि 2-3 CC तो आगे से देने लग गया और पीछे से जो है 10 CC देने लग गया, तो क्या होगा, आपका इंजेक्टर आगे जो है कम इंजेक्ट कर रहा है, कहाँ 7 और कहाँ 2, तो कम डीजल इंजेक्ट कर रहा है, उतने ही पैडल, आपने पैडल पहले आधा दबाते थे उस समय ये 7 CC इंजेक्ट करता था, आज भी आप आधा दबा रहे हो लेकिन अभी ये 2 CC इंजेक्ट कर रहा है, तो गाड़ी का पिकअप तो डाउन होगा ही। तो फिर ये इंजेक्टर रिपेयर होंगे। इंजेक्टर रिपेयर में बहुत
अच्छा खासा खर्चा आता है, तो उसको बिल्कुल सही जगह कराएं, ऐसी जगह कराएं जहां आपका विश्वास बन सके, क्योंकि इंजेक्टर एक तो हर जगह सही हो नहीं पाते, उसके बाद जो है उसमें खर्चा बहुत आता है। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं फ्यूल लाइन के। अब आते हैं एयर से कि यार ये सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ यहाँ से यहाँ तक करा लिया, सब कुछ ओके है, फिर भी गाड़ी में पिकअप नहीं है, तो फिर इसका एयर फिल्टर, यदि एयर फिल्टर चोक होगा, क्योंकि पिकअप ना आने का एक कारण तो ये हो सकता है कि डीजल प्रॉपरली उसमें नहीं जा रहा है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस डीजल के साथ, क्योंकि 14:1 का रेशियो होता है एयर बाय फ्यूल का, अगर 14 मॉलिक्यूल एयर के हैं तो एक मॉलिक्यूल फ्यूल का है, यदि ये 14 की जगह 8 हो जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, पिस्टन के ऊपर अच्छे से आग नहीं लगेगी और पिस्टन को फेंकने की ताकत अच्छे से नहीं बनेगी, तो पिस्टन तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा, तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा तो क्रैंक को कैसे घुमाएगा तेज़ी से, और कहाँ आपकी गाड़ी कैसे भागेगी तेज, तो एयर का अच्छे से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एयर कब नहीं मिलेगी, जब एयर फिल्टर चोक हो, तो एयर फिल्टर चेंज कराएं, या फिर आप एयर फिल्टर निकाल भी सकते हैं और उसके बाद एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि एयर फिल्टर निकालने के बाद जो है कूड़ा करकट अंदर जाता है, जो आपके इंजन के लिए इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एयर फिल्टर आप जो है चेंज करके देखें। उसके बाद एक चीज़ ये हो सकती है कि टर्बो जाम है, ये देखने के लिए आपको ये जो एयर फिल्टर का जो पाइप आगे लग रहा है टर्बो के, इसको एक बार हटाना पड़ेगा, इसके अंदर जो शाफ्ट होती है उसको अपने हाथ से घुमा के देंगे, यदि वो बहुत प्यार से घूम रही है, हल्का सा घुमाने पे अच्छे से घूम रही है, तो टर्बो जाम नहीं है, इसका मतलब टर्बो ओके है, लेकिन यदि वो नहीं घूम रही है तो फिर इसका मतलब टर्बो के अंदर जो फैन है, जो पंखा है, फैन कहते हैं उसे आम भाषा में, पंखा भी कह देते हैं, पंखड़ी, लेकिन होता वो क्या है, कंप्रेसर होता है, एक तरफ टर्बाइन होता है, इस तरफ टर्बाइन होगा, इस तरफ कंप्रेसर होगा, या हवा खींचता है ना, तो कंप्रेसर, और कंप्रेस करके आगे देता है इंजन को, तो ये अगर जाम है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एयर अच्छे से नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, जो टर्बो पहले हवा खींच रहा था वो अब जाम होने के कारण आने वाली हवा को रोक रहा है, उसके बाद ये हवा जाती है कहाँ, इंजन में। लेकिन ये वाला रास्ता किसका है, ये आ रहा है EGR से। EGR क्या काम करता है, ये आप वीडियो बनी हुई है मेरी, उस पर आप सर्च करें और देखें। तो एयर फिल्टर हो गया, टर्बो हो गया, अब आगे बारी EGR की। तो EGR ये लगा हुआ है, मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए, EGR एग्जॉस्ट और इनलेट के बीच की कड़ी है, एग्जॉस्ट और इनटेक के बीच की कड़ी है। यदि ये वॉल खुल जाता है तो जितनी भी एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है इनटेक में चला जाता है, उसका एक अपना कारण होता है, वो कारण क्या है वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आप मेरी वीडियो देखें। अब यदि ये EGR वॉल जाम हो जाएगा, ये बंद पोजीशन में, अभी बंद है ये, यहाँ से हवा इस तरफ नहीं आ पा रही क्योंकि ये वाल बंद है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, खुलेगा, तब हवा यहाँ से निकलेगी, एग्जॉस्ट गैस अंदर जाएगी। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस है, यदि आपका EGR बंद हो गया या फिर आपका EGR खुली पोजीशन में चोक हो गया, है ना, कह सकते हैं कि अब ये ऐसी पोजीशन में चोक हो गया कि ये खुल गया रास्ता, तो सारी की सारी गैस जो है लगातार एग्जॉस्ट जो है वो इसमें जाती रहेगी इंजन में। अब हर पोजीशन पे EGR नहीं खुलता है जब वो सही काम करता है, वो खुलता है केवल हाई RPM पे जहाँ पे ज़रूरत है। अब अगर ये तो हर वक्त खुला रहेगा तो क्या होगा कि सारी की सारी एग्जॉस्ट इनटेक में आ रही है तो प्रॉपर कम्बशन होगा ही नहीं, क्योंकि जली हुई हवा के साथ मिक्सचर जो है अच्छे से बर्न नहीं होगा, डीजल अच्छे से बर्न नहीं होगा, उसको तो फ्रेश एयर का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो जब जली हुई गैस हर RPM पे उसको मिलती रहेगी तो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, और इंजन जो है आपका खड़ा खड़ा भी ऐसे हंटिंग करता रहेगा, हिलता रहेगा, वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे और वाइट स्मोक भी निकलेगा कहीं ना कहीं। तो एक कारण EGR हो गया। आठवां जो रीज़न है वो साइलेंसर का है। साइलेंसर जो है कई केसेस में चोक हो जाता है, इसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर आता है आजकल, तो साइलेंसर चोक हो जाएगा तो क्या होगा कि गैस अच्छे से बाहर निकलेगी नहीं,
एग्जॉस्ट गैस, जब एग्जॉस्ट गैस निकलेगी नहीं तो क्या होगा कि एग्जॉस्ट इसने इस बार बनाया, ये पूरा भर के निकल नहीं रही है, एग्जॉस्ट बनाया तो एग्जॉस्ट बाहर जाने की जगह वापस अंदर की तरफ बैक मारेगी, क्योंकि बाहर तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो बैक मारेगी इंजन के अंदर, तो इंजन पे पिस्टनों पे दबाव आ जाएगा ऊपर चलने में, दोबारा से कंप्रेस करने में। तो जब ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि हम तो एक तो बिना किसी वजन को उठाए चल रहे हैं, फिर दूसरी बार हमें किसी ने 40 किलो दे दिया, तो 40 किलो लेके चलने में बड़ा जोर लगेगा, तो वही इसके ऊपर लोड आ गया इंजन पे, दोबारा ये लौट लौट के आ रही है गैस, तो लोड आया था, तो इंजन जो है उस समय दबेगा, जब दबेगा तो पिकअप अच्छा नहीं रहेगा। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, आपने साइलेंसर साफ़ करा लिया, एयर फिल्टर चेंज करा लिया, टर्बो आपका सही है, तो इसमें जो बड़ा कारण हो सकता है वो इंजन का हो सकता है, कि हो सकता है आपके इंजन की जो पिस्टन पे जो रिंगे हैं और जो स्लीव है वो कट गई हो, और जो है कंप्रेशन अच्छा ना बन रहा हो, जिसके कारण से जो गैस है वो यहाँ से नीचे लौट जाती है। तो ये तो आप जब डिप गेज निकालेंगे ऑयल का गेज, क्योंकि ये गैस जो है जब साइड में गैप बन जाएगा पिस्टन और स्लीव के, तो यहाँ से गैस नीचे आ जाएगी चैम्बर में जहाँ पे ऑयल है, और जब आप निकालोगे डिप गेज तो उसमें से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। ये मैक्सिमम केसेस में जब आप ऐसे देखोगे और धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब इंजन जो है वो दोबारा कराने लायक हो गया है। लेकिन कुछ गाड़ियों में, जैसे नई स्कॉर्पियो थी या नई फोक्सवैगन की, आप कोई भी गाड़ी ले लो, उसके इंजन में से हमेशा थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहेगा, वो इंजन के अंदर बन रही गैस होती है जो वहाँ से निकलती है। और कई केसेस में जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उस डिप गेज में से ऑयल फेंकने लगता है बाहर, क्योंकि ये जो एयर का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑयल पे जब लगता है तो ऑयल बाहर फेंकने लग जाता है, ये एक कारण है। इसके बाद कुछ कारण, जैसे एयर फिल्टर के बगल में जैसे HFM लिखा हुआ है मैंने, तो HFM क्या है, यहाँ पे सेंसर है, एयर मास फ्लो सेंसर, एयर मास फ्लो, कितनी एयर जा रही है इंजन को ये बताता है ये सेंसर। यदि ये सेंसर ख़राब हो जाए, इसकी वायरिंग ख़राब हो जाए, तो ये बताना छोड़ देगा ECU को कि ECU क्या है। ECU सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ये कह सकते हो महामंत्री है, जो देखता है कि सब काम कर रहे हैं सही से, किसको कितना करंट देना है, कहाँ से कितना प्रेशर बन रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है। तो यदि ये ख़राब हो जाएगा तो ये ECU को बता ही नहीं पाएगा कि कितना एयर अंदर जा रहा है इंजन के, और ECU जो है प्रॉपरली इंजेक्टर को करंट नहीं दे पाएगा, DRV को करंट नहीं दे पाएगा, तो वहाँ आपको पिकअप की दिक्कत आ सकती है। खैर, इन रीजंस के अलावा और जितने रीजंस हैं लो पिकअप के, वो ज़्यादातर वायरिंग के ही हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो या आपकी गाड़ी में लो पिकअप हो, तो आप ज़रूर इन पॉइंट्स को चेक कराएं, और अगर कोई भी और डाउट हो तो मेरे से कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी स्पेयर पार्ट की आपको ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी पिक, आपकी गाड़ी की पिक, या आपकी गाड़ी कौन से ब्रांड की है, कौन सा मॉडल है और कौन से साल की है। थैंक यू।